की प्रॉब्लम कोई आज से तो है नहीं, भी ये सबको पता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह जानती है वो क्या कर चुके हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, आपके लिए सोल्यूशन ढूंढना, इट मीन्स मधुमक्खी जो छत्ता है ना मधुमक्खियों का, उसमें पत्थर डालने जैसी बात है गवर्नमेंट के लिए। अगर आज आपको एक बंदे को वो सर्वाइवल देंगे तो सारे चंडीगढ़ को देना पड़ेगा। दे आर इन दैट डेड लॉक नाउ। ठीक है, आप हम अपनी मंजिल के करीब तो हैं, वही हमने सोचा था आर या पार, वो सिचुएशन आ गई है। इधर आओ, आर या पार तो आई गई है। 13 साल का जो सीसीटीवी है, जो अब ये डिमोलिश हो रहा है, जो कंट्रैक्चुअल सिस्टम है जिन्होंने इसको खड़ा किया, बिकॉज लॉ ब्रेकर्स जो लॉ मेकर्स हैं, दे आर बिकमिंग नाउ लॉ ब्रेकर्स। जिन्होंने ये लॉ बनाने हैं कि ये कंट्रैक्चुअलिज्म बैन हो या सिक्योर हो, वही तो आपसे कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं। और ये वो भी किया गया कॉलेज के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने किया, और विदाउट एनी कंसेंट ऑफ प्रीवियस कॉलेज, ज़बरदस्ती एक कॉलेज बसाने की बात है। और 13 साल तो हो गए, उनकी कोशिश पूरी हो चुकी है। यहाँ का जो अच्छा जो रेगुलर स्टाफ है वो आ गया, वहाँ भी आया था 98 से 2002 में। आप जैसे ही 15 लोग वहाँ बैठे थे, जो जिनकी जगह पर वो आज बैठे हैं, आज एचओडी भी है और प्रिंसिपल्स भी हैं। और उस कॉलेज का विकास होना था, वो तो सारे जो है आप स्क्रीन पे पहुंच चुकी है वो फैकल्टी। एक कॉलेज की हाईएस्ट पोजीशन क्या होती है मैडम? तो एक कॉलेज की हाईएस्ट पोजीशन क्या होती है अपने कॉलेज में? हायरार्की वाइज अगर हम देखें क्या होती है? प्रिंसिपल। नाउ आई विल सी द डिफरेंस। 98 से 2002 में वहाँ जो यूपीएससी आई, उसके पीछे मेरे जो 15 बंदे कंट्रेक्चुअल के थे, 18, ऑल वर फ्रेश ग्रेजुएट्स एट दैट टाइम। अदरवाइज उस कॉलेज में कोई ITI था, कोई डिप्लोमा था, मतलब ग्रेजुएशन यहाँ देखी नहीं गई थी। 95 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 95 कुछ दो चार लोग दूर जा साहब जैसे एक दो, और लेबर जस्ट भी यूपीएससी से जो आए थे, अदरवाइज सारे कोई ना कोई अरेंजमेंट में वो बड़े थे, कोई ITI से, कोई डिप्लोमा थे, या कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म किया गया 98 से 2002 में। वो फैकल्टी आज अपने सुप्रीम पे पहुंच चुकी है, ऑल आर गेटिंग प्रिंसिपल स्केल देयर देश भर में। वो 18 से 18 बंदे जिड़े थोड़े नाल पता सब्जेक्ट से गए, अब सारे प्रिंसिपल स्केल जा चुके हैं। उस कॉलेज की स्टैगनेंसी उतने खत्म है। उस तो बाद उन्होंने मौका सीगा कि अगर वो लोग मनते उस टाइम एसोसिएट प्रोफेसर के स्केल पर जो सा प्रिंसिपल है, उन्हें जो कुछ फैकल्टी दी जा सकती थी, कुछ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी हो सकते वन टाइम मेजर पॉलिसी बना के। 13 साल तुम्हें इनिशियल लैवल तो एक कॉलेज में शुरू किया, 100% पब्लिसिटी क्यों हुई है? बिकॉज फैकल्टी इतने ता ही आया कि पिछले कॉलेज ने एक्सेप्ट नहीं किया उस पॉलिसी में। 2007 तक पॉलिसी खराब हुई, ये सारी चीज़ें डुप्लीकेट होनी शुरू हुई है, चाहे ऑडिटोरियम एक्सपेरिमेंटेशन सी अज फेल हो चुकी है। बड़े जो डिग्री के बच्चे हैं ग्राउंड लैवल तो अब बिल्डिंग बनी है, ना इन्हें को प्ले ग्राउंड है, ना स्टाफ कैंपस है, ना होस्टल है। और पुराने कॉलेज का जोड़ा है शेयरिंग हो रही है, सामने तो माइक्रोमैक्स दिख रहा है CCET, पीछे एप्पल का टैग लगाया हुआ है जोड़ा कि CPC है। 50-60 साल की हिस्ट्री मेरी कि भूल सकते हो, जब तुम मैनू अपग्रेड किया क्यों नहीं किया? मतलब जिस भी नीति नाल ये कॉलेज बसाया गया सी, जब तक असी वो नहीं सोचते फ्यूचर असी अपना सोच रहे हैं। इस कॉलेज का भी क्या फ्यूचर है देखा जाए, गवर्नमेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन कितना दिती 100% कंट्रैक्चुअल फैकल्टी के उत्ते, बिकॉज उत्थे का UPSC का स्टाफ दिखाया गया कि साढ़े को आह स्टाफ रेगुलर है, ये असी कंट्रैक्चुअल भर रहे हैं। जो इन्होंने सैपरेट किया सारा कंट्रैक्चुअलिज्म इधर आ गया, और जोड़े वो बंदे उत्थे ही रह गए। और अज थोड़े असली जोड़े रियल ठाकुर हैं, रियल हीरो जिन्हों की फिल्म हिट होनी है दिलवाले, शाहरुख खान आ चुके हैं। वो 18, 5, 5, 2, 2, 4, 4 जोड़े हैं, समझ लो उन्होंने असली हीरो ही हो गए जो UPSC तो आया। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही पता सी कि ये साड़ी ग्रुप में पोस्ट है, UPSC तो भरना है।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਔਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਲ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ AICT ਲਗਾ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਾਂਟ ਆਸਕ ਫੋਰ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਰੂਲ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ 2011 ਦੀ ਜੇ ਪੋਲਸੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ UPSC ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਡਨ।